हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको एचपी डीएलएड 2020 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का जीके सेक्शन। तो इस वीडियो में इस एग्जामिनेशन के जीके सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक दो दिन में इसका जो पूरा पेपर है उसका आंसर की भी हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए, उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं इसका जीके सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एट विच प्लेस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था वो हुआ था शिमला में, तो डी ऑप्शन शिमला जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसोदन दर्रा जो है वो किस जिले में स्थित है, तो ये है चंबा जिले में स्थित। तो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द आर्टिफिशियल लेक जो लार्जेस्ट है, यानी कि जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की, वो कौन सी है, तो ये है गोविंद सागर लेक। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका, गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 35 साल। तो बी ऑप्शन 35 ईयर जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जो पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पे है, तो ये मनाली में है, कुल्लू के, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो किस जिले में है, तो ये है चंबा जिले में, ए ऑप्शन चंबा। व्यास नदी का संस्कृत नाम जो है वो क्या था, तो इसका सही नाम जो था वो था विपाशा, तो बी ऑप्शन विपाशा जो है इसका राइट आंसर है। बाबा कांसीराम इज़ नोन बाय व्हाट नेम, तो बाबा कांसीराम को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच बॉक्सर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन 6 गोल्ड मेडल्स इन वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, तो कौन सी मुक्केबाज जो है वो महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये है एमसी मैरी कॉम, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामलू देवता की पूजा जो है वो कहाँ पे होती है, तो ये होती है मलाना में, तो सी ऑप्शन मलाना जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के अनुसार जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल एमरजेंसी जो है उसकी घोषणा की जाती है, तो ये की जाती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। द कम्प्लीट फॉर्म ऑफ ATM इज़, तो इसकी कम्प्लीट फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। वेन इज़ यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो डी ऑप्शन 24 अक्टूबर जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि लवी मेला जो है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो ये नवंबर महीने में मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एशियन यानी कि ASEAN इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1967 में। शिमला एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ था, तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, बी ऑप्शन। कैनबरा जो है कैपिटल है वो किस कंट्री की है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, बी ऑप्शन। इन विच डिस्ट्रिक्ट संजय विद्युत परियोजना इज लोकेटेड, तो संजय विद्युत परियोजना जो है वो किन्नौर में स्थित है, तो ये ऑप्शन किन्नौर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वीमेन ऑफ हिमाचल वन मिसिज इंडिया ग्लोब 2018 क्राउन, तो हिमाचल की किस महिला ने मिसिज इंडिया ग्लोब 2018 का खिताब जो था वो जीता था, तो ये जीता था डॉक्टर वंदना, बी ऑप्शन। दिलीप ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से, ए ऑप्शन क्रिकेट जो है इसका राइट आंसर है। सुही मेला किस जिले में होता है, तो ये होता है चंबा में, डी ऑप्शन। तो चंबा से जो है 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस ऑफ द स्टेट द फेस्टिवल ऑफ बूढ़ी दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड, तो बूढ़ी दिवाली जो है वो ये त्यौहार जो है राज्य के किस स्थान पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है निर्माण में, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिन वैली जो है नेशनल पार्क है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बंगाल जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये है कांगड़ा में, बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन का वो है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, तो इस प्रेजेंट टाइम पे अभी जो ये पोस्ट है ये CM ऑफ हिमाचल यानी कि जयराम ठाकुर जो हैं उनके अंतर्गत आती है, क्योंकि इस टाइम पे कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, तो ये पोस्ट जो है इसका कार्यभार CMO ऑफ हिमाचल के अंतर्गत आता है। लेकिन उससे पहले जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के, वो थे विपिन परमार, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा विपिन परमार, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इधर गाइस आज की इस वीडियो में
अगर आप इसका पूरा पेपर और उसके आंसर की देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उसकी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।